सभी साथियों का एक बार फिर से कमल किशोर एकेडमी में स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज 2 अगस्त है और हम सभी चलते हैं इतिहास के पन्नों की ओर और देखते हैं भारत भूमि पर कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आज के ही दिन घटित हुई हैं। प्रथम घटना पर दृष्टि डालते हैं। आज ही के दिन 1763 में बंगाल के गिरिया नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और तत्कालीन बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच संघर्ष होता है और इस संघर्ष का परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में रहता है। इसी के साथ दूसरी घटना पर दृष्टि डालते हैं। 1858 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक अधिनियम पास करके भारत की प्रशासनिक व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली जाती है। इसके पश्चात तीसरी घटना पर प्रकाश डालते हैं। 1861 में आज ही के दिन भारत के महान रसायन शास्त्री, रसायनज्ञ और भारतीय रसायन विज्ञान के जनक प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म हुआ था। तीसरी घटना पर दृष्टि डालते हैं और देखते हैं कि 1878 में आज ही के दिन राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अभिकल्पक पिंगली वेंकैया का जन्म हुआ था। अगली घटना पर दृष्टि डालते हैं। आज ही के दिन 1922 में जेपी बिरला नामक प्रसिद्ध उद्योगपति का जन्म हुआ था। अगली घटना पर दृष्टि डालते हैं। 1970 में आज के ही दिन सी बेलियप्पा मुतम्मा नामक महिला को भारत का प्रथम राजदूत नियुक्त किया गया था। इन्हें हंगरी का राजदूत बनाया गया। अगली घटना पर दृष्टि डालते हैं। 1980 में आज के ही दिन भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार राम किंकर बैज का आज के ही दिन निधन हुआ था। आज के ही दिन दादरा एवं नगर हवेली का मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अगली घटना, अगस्त का प्रथम सप्ताह का रविवार जिस दिन पड़ता है उसी दिन मैत्री दिवस मनाया जाता है और इस बार 2 अगस्त को रविवार है और इस वजह से मैत्री दिवस आज ही के दिन मनाया जाएगा। इसी के साथ विश्व की घटनाओं पर दृष्टि डालते हैं। प्रथम घटना के अंतर्गत 1790 में आज ही के दिन अमेरिका में प्रथम जनगणना का शुभारंभ किया गया। अगली घटना, 1831 में नीदरलैंड ने अपने 10 दिनों के अभियान के पश्चात बेल्जियम पर कब्जा करता है। अगली घटना में 1880 में इंग्लैंड द्वारा प्रथम भूमिगत ट्यूब टावर रेलवे का शुभारंभ किया जाता है। अगली घटना के अंतर्गत 1914 में आज के ही दिन जर्मनी द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लग्जमबर्ग के कुछ भागों पर कब्जा किया जाता है। अगली घटना के अंतर्गत 1932 में कार्ल डी एंडरसन नामक महान वैज्ञानिक के द्वारा पॉजिट्रॉन तत्व की खोज की जाती है। अगली घटना में 1944 में आज ही के दिन तुर्की ने जर्मनी से अपने संपूर्ण राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया था। इसी के साथ आज का घटनाक्रम समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।